तपिश, हप्स, घुटन, कराची दहकने लगा, समंदरी हवा बंद, पारा 42 को छू गया, 50 की गर्मी महसूस की गई, रात में भी हप्स, 17 जून तक हीट वेव रहेगा, महकमा मौसमियात ने होश उड़ा दिए, समंदरी तूफान का खतरा, माहीगीरों के लिए अलर्ट जारी, के इलेक्ट्रिक का मौसम से गठजोड़, शहर भर में गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग, आवाम बिलबिला उठे। कराची तक खैबर गर्मी के वार, तुर्बत में 46 की गर्मी से अवाम बेहाल, गवादर में 45, जैकबाबाद और सखर में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, दादू और फैसलाबाद ने 41, लाहौर और मुल्तान ने 40 दर्जा हरारत, पेशावर भी दिन भर झुलसता रहा। डॉलर महंगा नहीं, बहुत महंगा, इंटरबैंक में डॉलर 152.90 रुपए का हो गया, ओपन मार्केट में कीमत 153.50 रुपए हो गई, 100 इंडेक्स में 465 पॉइंट्स इजाफा, 35,403 पॉइंट्स पर बंद हुआ फी तोला सोना, 73,210 ग्राम 62,757 का हो गया। वज़ीरे आज़म ने जो इंक्वायरी कमीशन का ऐलान किया, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम उसके सरबरा का ऐलान करेंगे, हम उसके TORs फाइनल करने जा रहे हैं। कर्ज से मुतालिक तहकीकाती कमीशन के सरबरा का ऐलान आइंदा हफ्ते होगा, फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शरीफ खानदान निशाने इबरत बन गया मगर कुछ न सीखा, चाहे जान चली जाए इन्हें नहीं छोड़ेंगे, मरियम नवाज को राजकुमारी का खिताब दे दिया। कल एक राजकुमारी ने कनीजों के झुरमट में जिस तरह के लबो लहजे में बात कर रही थी, हमारी नर्व्स को टेस्ट कर रही हैं और दावत दे रही हैं कि मेरी औकात मुझे क्यों नहीं दिखाते हो, मैं ये समझती हूँ कि आप अपनी औकात में रहें, अपने कद में रहें। कमीशन से वजीर आजम की जहनी जांच कराएं, 5 साल में लिए कर्ज का रिकॉर्ड मौजूद है, शाहिद खाकान की ललकार, कहा हुकूमत को धमकियां देने की जरूरत नहीं, वजीर आजम और वजरा से असासे वेबसाइट पर जारी करने का मुतालबा, 50 लाख घर होंगे ना 1 करोड़ नौकरियां। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, ब्लड प्रेशर हाई, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया, साबिक सदर का कराची के अस्पताल मुंतकिल किए जाने पर इसरार, जरदारी नेट की तहवील में है। जरदारी और हमजा की गिरफ्तारी बिलाजवाज है, नवाज शरीफ भड़क उठे, कई वज़रा करप्शन में मुलव्वस हैं, कोई नहीं देख रहा, इमरान खान की नाअहली ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, कोई पूछने वाला नहीं, जेल में मरियम नवाज और दीगर से गुफ्तगु। बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, एहतजाजी मुहिम में बिलावल के जलसों का शेड्यूल तय पा गया, जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए पीपल्स पार्टी के वफ की स्पीकर से मुलाकात, असद कैसर ने वक्त मांग लिया। वफाकी टैक्स मुहतसब मुश्ताक अहमद सुखेरा को ओहदे से हटा दिया गया, सदर मुमलिकत की मंजूरी पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, मुश्ताक सुखेरा IG पंजाब भी रह चुके हैं। हमारा कभी भी मकसद ये नहीं था कि कोई पुलिस को कंट्रोल करना है, किसे कोई और काम लेने, पुलिस अपनी अगर मर्जी से सारे काम करेगी तो क्या होगा, देयर वाज नो ओवरसाइट। सिंध हुकूमत का पुलिस को कंट्रोल करने का इरादा नहीं, वजीर आला की वजाहत, निगरानी के लिए 1 माह में पब्लिक सेफ्टी कमीशन लाने का ऐलान, पुलिस एक्ट में तरमीम तैयार है, कुछ पुलिस अफसरान गलत कामों में मुलव्वस थे, सूबाई असेंबली में खिताब। कराची में कोई हुकूमत नहीं, पाकिस्तान का बदतरीन शहर बन चुका है, हमारे बच्चे घर से भी नहीं निकल सकते, मफरूर मुलजिमान खुले आम घूम रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अमल कत्ल केस में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार, कहा अवाम बेहाल, उनको अपने हाल पर छोड़ दिया गया, अफसरान पैसे जमा करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का डैम्स फंड से सरमायाकारी का फैसला, स्टेट बैंक को फंड नेशनल बैंक मुंतकिल करने का हुक्म, स्टेट बैंक ने 6 माह 10 अरब रखे, 1 रुपए का मुनाफा नहीं दिया, जस्टिस एजाज़ुल अहसन के रिमार्क्स।
आशियान इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत शहबाज शरीफ अहद चीमा समेत दीगर मुलजमान एहतसाब अदालत में पेश। हमदा शहबाज को क्यों पेश नहीं किया गया, एहतसाब अदालत का इस्तफसार। अपोजिशन लीडर पंजाब को 26 जून को पेश करने का हुक्म। मेरे खिलाफ झूठा केस बनाया गया, नैब कौम और अदालत का वक्त जाया कर रहा है, शहबाज शरीफ के दलाए। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी का सैलाब आने वाला है, गलतियों से सबक सीखना चाहिए। हमजा शहबाज की हुकूमत को नसीहत, करप्शन साबित हुई तो माफी मांगकर घर चला जाऊंगा, पंजाब असेंबली में खिताब। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। मुलजिमान को 27 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। लीगी रहनुमा साद रफीक की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा बजट का पाकिस्तानी कौम के मफादात से कोई ताल्लुक नहीं, ये बजट IMF का बजट है। पिशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, वजीर आला के 2 मुआवनों और 3 मुशीर मौत कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने मौनीन को कौमी खजाने पर बोझ करार दिया था, अदालत ने मौतली का नोटिफिकेशन तलब कर लिया। पंजाब का 2200 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। तालीम पर 49, सेहत पर 46 और तरक्याती मद में 350 अरब रुपए रखने की तजवीज। सिंध का 13 खरब रुपए का बजट भी कल पेश किया जाएगा। नया टैक्स न लगाने का ऐलान, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2.5 खरब मुख्तस करने की सिफारिश। बजट में तकलीफ है, रिलीफ नहीं, पेशावर की खवातीन के दुहाई। बचत मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गई। कमेटियां डालने वाली खवातीन भी परेशान, घर का माहौल भी मुतासिर हो रहा है। तालीम और सेहत तो दूर, अब तो खाने के लाले पड़ गए। पिशावर में तहरीक इंसाफ के कौंसलर आपे से बाहर, पानी और सफाई के अमले से बदतमीजी, अमले का सामान फेंक दिया, एहलकार गैर कानूनी कनेक्शन मुंतकिल करने थे, नोटिस दिखाएं फिर कार्रवाई करें, सैयद आजम का मुतालबा। भारत से कशीदगी भी एक अभी हुई है, वजीर आजम इमरान खान का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। रूस से मजीद बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार, कहा असलहा नहीं इंसान पर रकम खर्च करना चाहते हैं। वजीर आजम की किर्गिजिस्तान आमद, शंघाई तावन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। रूसी सदर से गैर रस्मी मुलाकात हुई, मोदी से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने किर्गिस्तान को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। दोनों मुल्कों के दरमियान मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा ब्रादर मुल्क से ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। क्या गया जबकि इस वक्त कराची, लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री है, दादू फैसलाबाद में 41 और पेशावर में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हैं, सूरज को जलाल है तो अमरीकी डॉलर भी आंखें दिखा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1.34 रुपए इजाफे से तारीख में पहली बार 152.90 रुपए पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर 153.50 रुपए का हो गया और फी तोला सोने की कीमत भी 73,200 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 465 पॉइंट पड़ गया। डॉलर का रुपए को मजीद पटका, इंटर बैंक में कारोबार के आगाज से ही तेजी का सिलसिला अख्तिताम तक जारी रहा। ट्रेडिंग के अख्तिताम पर डॉलर 152.90 रुपए की बुलंद सतह पर बंद हुआ। इक्तिसादी माहिरीन का कहना है रमजान के बाद इंटर बैंक में इनफ्लोस कम हो गए, अदायगियों का सिलसिला जारी है, आइंदा चंद रोज में डॉलर मजीद महंगा होने का खदशा है। लगता यही है, बज़ाहिर इत्तला'आत यही है कि अभी रुपए की कदर कीमत में ठहराव नहीं आया। इस वक्त जो डॉलर है वो फ्लोटिंग रेट पे चल रहा है, मार्केट डिटरमिंड है, जिस दिन डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी उस दिन उसका रेट ज्यादा होगा। इंटरबैंक ने रवा हफ्ते के 4 रोज के दौरान डॉलर 4.30 रुपए महंगा हो गया।
ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 1.5 रुपए इजाफे से 153.50 रुपए पर पहुंच गई। सोने की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम का भाव 62,757 रुपए और 200 रुपए का हो गया। दूसरी जानब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 465 पॉइंट्स इजाफे से 35,403 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी और डॉलर की कीमत में इजाफा नई बात नहीं, सिर्फ मौजूदा हुकूमत के दौर में डॉलर 28.76 रुपए महंगा हो गया। डॉलर की कीमत में कब और कितना इजाफा हुआ ये बता रहे हैं साथी एंकर इमरान सुल्तान। नाज़रीन बात कर रहे हैं यूएस डॉलर पैरिटी की, मुसलसल डॉलर की उड़ान जो है वो जारी है। दिसंबर 2018 से फरवरी 2019 के दौरान इस 2.5-3 महीने में हमने देखा कि अमेरिकी डॉलर ने अपने आप को 139 रुपए पे इंटेक्ट रखा। मार्च 2019 140, अब वो वक्त आ गया कि जब 140 रुपए का डॉलर हो गया। इस अप्रैल 2019 जिसमें मजीद 141+ यानी 141.39 रुपए पर अमेरिकी डॉलर आ गया। फिर आते हैं जनाब 16 मई 2019 जबकि एक बड़ा जंप और इसमें हमने देखा 146.52 रुपए का डॉलर हो गया और लेटर 150 जो हमने देखा 24 मई 2019 पाकिस्तान की तारीख में मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा अमेरिकी डॉलर 150 का हो गया। सिलसिला यहां पर रुका नहीं, इसने जारी रखा। 31 मई 2019 151 रुपए पे डॉलर पहुंच गया। यह कहां जाके रुकेगा यह वक्त ही बेहतर बताएगा। और अब जिक्र वज़ीर-ए-आज़म का जिन्होंने किर्गिस्तान रवानगी से पहले रूसी मीडिया को इंटरव्यू दिया। इमरान खान का कहना था कि भारत के साथ हालिया कशीदगी में कमी आई है, भारत और अमरीका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अपना पैसा असलहा खरीदने पर नहीं बल्कि इंसानी तरक्की के लिए खर्च करना चाहते हैं। इमरान खान ने रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि दोनों ममालिक में बेहतरीन दिफाई ताल्लुकात हैं और अस्करी क़यादत भी राबते में है। रूस के साथ तजारती रवाबत में बेहतरी आई है, पाकिस्तान तवानाई बुरान पर काबू पाने के लिए रूस से मदद लेगा। अहम खबर दें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब हो गई। आसिफ अली जरदारी को नैब की तहवील में ब्लड प्रेशर हाई हो गया। आसिफ जरदारी को RIC रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। लेकिन आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो नैब की तहवील में थे उनकी तबीयत खराब हुई, उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया, हाई हो गया। आसिफ अली जरदारी को RIC रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुतालबा किया है कि उनको कराची के किसी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाए जहाँ उनका इलाज सही हो पाएगा। आपको अहम खबर दे रहे हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब हो गई है। आसिफ अली जरदारी का नैब की तहवील में ब्लड प्रेशर शूट कर गया। अब बात सियासी गहमागहमी की, कर्ज तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन में कौन कौन शामिल होगा अगले हफ्ते पता चल जाएगा। मामले खुसूसी बरा इत्तला फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि कमीशन के TORs तय कर रहे हैं, अगले हफ्ते कमीशन सरबरा का ऐलान कर देंगे। शरीफ खानदान निशाने इबरत बन गया लेकिन फिर भी कुछ सीख न सका। मैं आज वजीर आजम पाकिस्तान की हकूमत की तरफ से जो उनका ऐलान है कि जान चली जाए इन चोरों और लुटेरों को नहीं छोड़ेंगे, उस अजम को दोहराती हूँ। और वजीर आजम ने जो इंक्वायरी कमीशन का ऐलान किया है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम उसके सरबराह का ऐलान करेंगे, हम उसके TOR फाइनल करने जा रहे हैं। अब हर वो शख्स जो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा है, कोई भी हो, वो हुकूमत में हो, हुकूमत से बाहर हो, सबको आईन और कानून के दायरा कार में रहते हुए अपने अपने अमाल का हिसाब देना है। शरीफ खानदान निशाने इबरत बन के भी इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। आज वो आपके खानदान के आपके दो वारस वो बेटे फख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं। कमीशन जरूर बनाएं लेकिन उससे पहले जांच वजीर आजम की जहनी हालत की करवाएं। शाहिद खाकान ने भी हुकूमत पर बाउंसर्स बरसा दिए, कहते हैं हुकूमत को धमकियां देने की जरूरत नहीं, न 50 लाख घर बनेंगे ना ही 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 5 साल में कितना कर्ज लिया सारा रिकॉर्ड मौजूद है, हर तरह के कमीशन में पेश होने को तैयार हैं।
एक हाई पावर्ड कमीशन बनाया जाए जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़हनी कैफियत की तफ्तीश करे कि ज़हनी कैफियत क्या है। उनकी मर्जी है, हाई पावर्ड कमीशन बनाए, हम हाजिर है, किसी वक्त भी हाई पावर्ड कमीशन के सामने मैं पेश हो जाऊंगा और तमाम हकायक रख दूंगा। कोई नई डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ वो मंसूबे जो हमने शुरू किए थे, कुछ उन मंसूबे बस मुकम्मल करने के लिए पैसे हैं। ना 50 लाख घरों के लिए रकम है, बेरोजगारी बढ़ेगी कम नहीं होगी, तो बजाय 1 करोड़ नौकरियों के 20-30 लाख नौजवानों के रोजगार के जाने का खतरा है। मैंने कभी बेल नहीं कराई, ना कराऊंगा, हाजिर हूं और इस नायब की गिरफ्तारी को अपने लिए एजाज समझता हूं। एहसन इकबाल साहब, आपके घबराने का वक्त आ चुका है। वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद ने खतरे की घंटी बजा दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि आला अख्तियारती कमीशन में सबसे पहला केस एहसन इकबाल का रखेंगे, सिर्फ पकड़ धकड़ नहीं होगी बल्कि वसूली भी करेंगे। मैं एहसन इकबाल को बताना चाहता हूँ कि जनाब आपके घबराने का वक्त आ चुका है। एक प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 50 अरब से ज्यादा पाकिस्तानी कौम को इन्होंने टीका लगाया है। 2013 एमओयू होता है, 15 में भूली लगती है, इसका कोई जॉब नहीं। एहसन इकबाल होते हैं प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर, लेकिन बहैसियत कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री वो साइन कर रहे हैं एमओयू के ऊपर। जैसे ही कमीशन अनाउंस होता है उसके बाद हम ये प्रोजेक्ट भेजेंगे। जिसने भी मुल्क को लूटा है उससे इंशाल्लाह ये पैसा हम निकालेंगे। 11.5 अरब हमने एनएचआई का रेवेन्यू बढ़ाया और तकरीबन 6 बिलियन, और आज जो मुझे फिगर मिला है वो 6.2 बिलियन जो है वो हमने पाकिस्तान पोस्ट का जो पुराने साल की निस्बत था वो हमने इजाफा कर दिया। मेरा नाम हमजा है, हमजा का मतलब शेर होता है, हम किसी से डरने वाले नहीं। हमजा शहबाज की घनघरज ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं, नवाज शरीफ और मैं जेल में हैं, इमरान खान अब तो कुछ करके दिखा दें, कमीशन जरूर बनाएं, खैबर पख्तूनख्वा में मेट्रो नहीं बनी उस पर भी कमीशन बनाएं, खान साहब जहाज पर सैर करते हैं उस पर भी कमीशन बनाएं, एहतसाब सबका होना चाहिए, हम तो इसके हक में हैं। नवाज शरीफ साहब भी जेल में हैं, मैं भी हूं, अब तो खान साहब कुछ करके दिखाएं, अब तो हम सब अंदर हैं। एक ऐसा सूबा भी है जहां पर 1 खरब से बजट तजावुज कर गया है, सूबे की हुकूमत की रिपोर्ट है कि 7 अरब की करप्शन का गबन हुआ है, उस पर भी कमीशन बनना चाहिए। हेलीकॉप्टर पर खान साहब सैर सपाटे करते रहे, कौम के पैसे उजाड़े, उस पर भी कमीशन बनना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की क्यादत एहतसाब के हक में है, सबका होना चाहिए। जेल की सहूलतों के गिले कमजोर लोग करते हैं मेरे भाई, अल्लाह के फजल से अल्लाह ताकत देने वाला। मेरा नाम हमजा है और उसका अरबी में मानी है शेर, और मेरा इंतखाबी निशान मुल्क में जमहूरियत के लबादे में आमरियत आ गई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह भड़क उठी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर कर्जों की तफसीलात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाएं तो तफसीलात मुशीर खजाना मामले खसूसी बराए इत्तलात और वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लें जो इस वक्त पीपल्स पार्टी में थे। जो हवलदार इमरान खान साहब जो मुल्क के वजीर आजम है, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिबास में आमरियत इस वक्त आ गई है। इक्तसादी हशर किया है, जो इस मुल्क के अवाम का हशर किया है, जो मईशत का हशर किया है, 10 माह के ऊपर एक कमीशन बनाए। ये छीना और झपटना वाला बजट, एक कमीशन बनाएंगे, तहकीक करेंगे जितने कर्जा जात है वो कैसे इतने कलेक्ट हुए हैं। अगर आप 10 साल की भी कर रहे हैं, वजीर खजाना थे जो इस वक्त आपके एडवाइजर है, उसको आप उधर खड़ा कर लें और उससे पूछ लें कि ये कर्जे आपने क्यों लिए। हमारी पार्टी की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, अब मावन खुसूसी है, उनको भी कटहरे में खड़ा कर दें। मुफ्ती फवाद चौधरी साहब है जो उस वक्त एडवाइजर थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में पाए जाते थे, उसको भी कटहरे में खड़ा कर दें, ये सारे सवाल उनसे भी पूछे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि अपोजिशन 2 अब्बुओं की रिहाई के लिए एहतजाज कर रही है, लेकिन अवाम अब्बू बचाओ मुहिम का साथ नहीं देंगे। रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब्बू बचाओ तहरीक के हवाले से बड़ा शोर और बड़ा गुलगुला है। हम अब्बू बचाने निकले हैं, आए दुनिया हमारे साथ चले। पाकिस्तान की अवाम जानती है कि जिन 2 अब्बुओं को बचाने के लिए ये तहरीक चलाने चले हैं, उन 2 अब्बुओं ने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के अबुओं को फाकरों, डाकरों, धमाकरों, नाकरों और चाकरों से मार दिया था। आसिफ जरदारी साहब के जाली अकाउंट्स पकड़ लिए, 36 अकाउंट्स मिले जाली, और उन 36 अकाउंट्स के जरिए से 45 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इस पाकिस्तान के अंदर चोरों, लुटेरों, नौसतबाजों,
और धरती माँ से बेवफाई करने वाले इन सियासतदानों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखूंगा। मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान की नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद, राजकुमारी का लकब दे दिया। उनका कहना था कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, मरियम अपनी औकात और अपने कद में रहे। कल एक राजकुमारी ने कनीजों के झुरमट में जिस तरह के लबो लहजे में बात कर रही थी, वो ये कह रही थी कि इसकी जुरत भाई, वो लबो लहजा उनका तकबर और गरूर उनको आज इस नहज पे ले गया। जिस अंदाज से वो बार बार ललकार के हमारी नर्व्स को टेस्ट कर रही हैं और दावत दे रही हैं कि मेरी औकात मुझे क्यों नहीं दिखाते हो, क्यों नहीं बताते हो मेरे हवाले से कि मैं सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुई थी, राजकुमारी जैसी जिंदगी गुजार के बादशाहत के अंदर एक उंगली के इशारे पे सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करती थी, तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। तो ये जुरत दे दी कि ये मैंने ये जुरत इमरान खान को उस अल्लाह ने दी है। तो मोहतरमा, क्या पिद्दी का शोरबा। मैं ये समझती हूँ कि आप अपनी औकात में रहें, अपने कद में रहें।